हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, अनादि काल से भारत में शक्ति उपासना की परंपरा रही है, इसलिए शक्ति उपासना के अनेक मंदिर, उपासना केंद्र और अर्चना स्थल स्थापित हैं। इन उपासना स्थलों में शक्ति के 51 महाशक्ति पीठों का अपना विशेष महत्व है, जहां देवी के अनेक भव्य, दिव्य और रहस्यमय विग्रहों और मूर्तियों के दर्शन होते हैं। किंतु आज हम आपको अपने कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से जिस देवी शक्तिपीठ मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं, उस मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं है। मान्यता है कि देवी यहां अंतर ध्यान होकर अपने भक्तों का कल्याण कर रही हैं। भक्तों, हम बात कर रहे हैं संगम नगरी प्रयागराज स्थित मां अलोपी देवी मंदिर की। भक्तों, प्रयागराज का अलोप शंकरी देवी अर्थात अलोपी देवी मंदिर प्रयागराज अलोपी बाग में स्थित है। ये शहर का एक भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है। अलोपी देवी मंदिर में किसी भी देवी और देवता की मूर्ति नहीं है, बल्कि एक लकड़ी की डोली या कहें पालकी या पालना है, जिसकी पूजा की जाती है। यूं तो इस मंदिर में प्रतिदिन भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान तो यहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार दक्ष यज्ञ में भगवान शिव की निंदा सुनकर जब सती ने अपने प्राण त्याग दिए, तब उनके मृत शरीर को लेकर देवाधिदेव क्रुद्ध हो तांडव करने लगे। ऐसी स्थिति में भगवान शिव को शांत करने की दृष्टि से श्री नारायण ने सुदर्शन चक्र से सती माता के शरीर को काट दिया। सती के शरीर के कटे हुए अंश 51 स्थानों पर गिरे। ये 51 स्थान शक्ति के 51 महापीठों के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। तीर्थराज प्रयाग में जिस स्थान पर माता सती के दाहिने हाथ का पंजा गिरकर अदृश्य अर्थात अलोप हो गया था, उसी स्थान पर इस शक्तिपीठ की स्थापना हुई। माता सती के शरीर अंग अलोप हो जाने के कारण ही यहां देवी की कोई मूर्ति ना होने के कारण इस सिद्ध पीठ का नाम अलोप शंकरी पड़ा, जो भक्तों में अलोपी देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भक्तों, प्रयागराज के अलोपी देवी मंदिर से जुड़ी एक प्रचलित कथा के अनुसार, एक बार डकैतों के एक झुंड ने यहां से गुजर रही एक बारात पर हमला कर दिया। डाकुओं ने बड़ा रक्तपात मचाते हुए न केवल सभी बारातियों को लूट लिया, बल्कि कईयों को मौत के घाट भी उतार दिया। बारातियों को लूटने और मारने के बाद डाकू दुल्हन की डोली की तरफ बढ़े तो देखा कि दुल्हन उस डोली से गायब थी, जिसके बाद वहां गायब हुई दुल्हन को देवी स्वरूप माना जाने लगा। कालांतर श्रद्धालुओं द्वारा उसी स्थान पर एक मंदिर की स्थापना कर दी गई, जो अब अलोपी देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। भक्तों, अलोपी माता मंदिर के गर्भगृह में एक चबूतरा है। चबूतरे के मध्य में एक कुंड है। इस कुंड के बारे में लोगों का विश्वास है कि इसी कुंड में माता सती के दाहिने हाथ का पंजा गिरकर लुप्त हुआ था। कुंड के ऊपर लकड़ी का एक चौकोर पालना, डोली या पालकी रखी हुई है, जो रस्सी से लटकती हुई एक लाल चुनरी से ढकी रहती है। यहां पर आने वाले श्रद्धालु इस कुंड के पवित्र जल का आचमन भी करते हैं। कहा जाता है कि कुंड के पानी में देवी की कई चमत्कारिक शक्तियां समाहित हैं। भक्तों, नवरात्रि के पावन पर्व पर पूरे 9 दिन दूर दूर से भक्तगण अलोपी देवी मंदिर में दर्शन पूजन के लिए आते हैं। कहा जाता है कि अलोपी माता मंदिर में पालने की पूजा करने और कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने वाले हर देवी भक्त की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। भक्तों, यहां की परंपरा के अनुसार जिन श्रद्धालु भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, वो अलोपी देवी माता के प्रांगण में विशेष पूजा अर्चना और भंडारा इत्यादि करवाते हैं। नव दंपत्ति यहां मां का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु आते हैं। कई लोग माता पिता बनते ही अपने नवजात शिशु को लेकर अलोपी मां का दर्शन करते हैं,
यथासंभव चढ़ावा चढ़ाते हैं और चबूतरे की परिक्रमा कर अलोपी माता का आशीर्वाद लेते हैं। भक्तों, अलोपी माता के मंदिर में माता के नाम से फूल, माला, नारियल अर्पित किए जाते हैं। साथ ही देवी को हलवा पुरी का भी भोग अर्पित किया जाता है। महिलाएं अलोपी माता को चूड़ी, सिंदूर, चुनरी और बिंदी वगैरह चढ़ाती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। भक्तों, अलोपी माता मंदिर में माँ की कोई मूर्ति न होने के कारण नवरात्रि में माता रानी का श्रृंगार तो नहीं होता, लेकिन यहाँ उनके सभी स्वरूपों की पूजा पाठ की जाती है। नवरात्र में यहाँ काफी भीड़ होती है। माँ का दर्शन पाने के लिए लोगों को घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को मंदिर परिसर में मेला लगता है। भक्तों, अलोपी माता मंदिर में साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्तों की भीड़ देखते हुए मंदिर प्रशासन ने भीड़ कंट्रोल करने के लिए कई प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं, ताकि भक्त कतार में क्रमबद्ध तरीके से माता के दर्शन कर सकें। भक्तों, अलोपी माता के मंदिर परिसर में प्रसाद की कई छोटी बड़ी दुकानें हैं, जिनमें माँ को अर्पित करने के लिए नारियल, चुनरी, पुष्प आदि मिलते हैं। कई अन्य दुकानें भी हैं, जिन पर सिंदूर, चूड़ी और अन्य श्रृंगार प्रसाधन के साथ बच्चों के लिए खिलौने आदि भी मिलते हैं। भक्तों, प्रयागराज के अलोपी माता मंदिर में सबसे विशेष बात ये देखने को मिलती है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु भक्तों की भीड़ में बहुत बड़ी संख्या दक्षिण भारतीय श्रद्धालुओं की होती है। भक्तों, प्रयागराज के अलोपी देवी मंदिर में यद्यपि अलोपी माता की कोई मूर्ति प्रतिष्ठित नहीं है, किंतु गर्भगृह में रखे पाल ने और मंदिर में विराजमान कुछ अन्य मूर्तियों की आरती पूजा विधिवत होती है। यहाँ की आरती का दृश्य बड़ा ही मनोहर और विहंगम होता है। विशेषकर संध्या कालीन आरती का दर्शन कर भक्तों का मन मुग्ध हो जाता है। इस दौरान ढोल, नगाड़े, शंख और घड़ियाल के अनहद नाद भक्तों को भाव विभोर कर देते हैं। आरती के दर्शन के लिए दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ होती है। मंदिर की आरती का दृश्य यात्रियों, श्रद्धालुओं और भक्तों के रोम रोम को आह्लादित कर देता है। आरती के पश्चात मंदिर के पुजारी माता को मंत्र पुष्पांजलि करते हैं। उसके उपरांत सभी को आरती देते हैं। मंदिर प्रबंधन द्वारा प्रसाद वितरित किया जाता है। भक्तगण माँ का प्रसाद ग्रहण कर यथासंभव दक्षिणा अर्पित करते हैं। भक्तों, प्रयागराज के अलोप शंकरी माता यानी अलोपी देवी मंदिर परिसर में एक पेड़ है, जिस पर मंदिर में आने वाले श्रद्धालु भक्त अपने हाथों से मन्नत की चुनरी बांधते हैं। लोगों का विश्वास है कि यहाँ जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा भाव से चुनरी बांधता है, माँ अलोपी की कृपा से उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। भक्तों, अलोपी माता मंदिर परिसर में एक बड़ा सा हवन कुंड है, जिसमें भक्तगण अलोपी माता के नाम पर प्रसाद और भोग की आहुतियां देते हैं। हवन कुंड की भस्म से तिलक करते हैं और श्रद्धा पूर्वक हवन कुंड की परिक्रमा करते हैं। भक्तों, अलोपी देवी मंदिर में दर्शन की कोई विशेष समय सीमा निर्धारित नहीं है। प्रातः मंदिर खुलने के साथ यानी प्रातः 4 बजे से रात 10 बजे तक भक्तों की उपस्थिति बनी रहती है। इसलिए आप जब यहाँ दर्शन करने जाएं, तो इस समय अवधि का ध्यान अवश्य रखें। भक्तों, अगर आप प्रयागराज में अलोपी देवी मंदिर की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं, तो आप यहाँ की यात्रा किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन मंदिर की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय नवरात्र उत्सव का होता है, क्योंकि नवरात्रि के अवसर पर पूरा मंदिर देवी भक्ति के रंग में रंगा नजर आता है। लेकिन यदि आप अलोपी देवी मंदिर के साथ साथ प्रयागराज के अन्य पर्यटन स्थलों की यात्रा भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए अक्टूबर से मार्च का समय सबसे अच्छा होता है। भक्तों, प्रयागराज विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल होने के कारण समूचे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ भोजन के शौकीन लोगों के लिए तरह तरह के भोजन उपलब्ध हैं।
किंतु लोकनाथ चौक चाट, कचौरी, लस्सी और हलवे के लिए दूर दूर तक मशहूर है। यहाँ की सबसे लोकप्रिय दुकानें अनोखे समोसे, देसी घी में तैयार कचौरी और जलेबी के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। भक्तों, अगर आप अलोपी देवी मंदिर दर्शनार्थ जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं, तो प्रयागराज शहर में आपको ठहरने के कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ धर्मशालाओं, अतिथि गृहों के साथ साथ मध्यम स्तरीय और शीर्ष होटल हैं, जहाँ आप अपनी सुविधा और क्षमता अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, अगर आप अलोपी देवी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं और दर्शन पूजन के अलावा पर्यटन में भी रुचि रखते हैं, तो त्रिवेणी संगम, खुसरो बाग, आनंद भवन, शोक स्तंभ, प्रयागराज किला, बड़े हनुमान मंदिर, माघ मेला, ऑल सेंट कैथेड्रल, न्यू यमुना ब्रिज, अल्फ्रेड पार्क, मनकामेश्वर मंदिर, फन गांव वाटर पार्क, नंदन कानन वाटर रिट्रीट जैसे लोकप्रिय दर्शनीय स्थल हैं, जहां आप अलोपी देवी मंदिर की यात्रा के दौरान जाकर पर्यटन का आनंद ले सकते हैं। भक्तों, अगर आप अलोपी देवी मंदिर प्रयागराज की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो आप वायु, रेल या सड़क मार्ग में से किसी से भी यात्रा करके अलोपी देवी मंदिर प्रयागराज पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप अलोपी देवी मंदिर हवाई जहाज से जा रहे हैं, तो निकटतम हवाई अड्डा प्रयागराज का बरमौली हवाई अड्डा है, जहां से अलोपी माता मंदिर लगभग 16 किलोमीटर दूर है। ये हवाई अड्डा दिल्ली, मुंबई, जयपुर और कोलकाता जैसे कई प्रमुख शहरों से वायु मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। हवाई अड्डे से आप कैब द्वारा अलोपी देवी मंदिर आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप प्रयागराज के अलोपी देवी मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं, तो ये शहर अच्छी तरह रोड नेटवर्क द्वारा भारत के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। बस से यात्रा करने के लिए भी आपके सामने बहुत से विकल्प होते हैं। आप डीलक्स बसें, एसी कोच और राज्य द्वारा संचालित बसों के माध्यम से अलोपी देवी मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। आप चाहें तो निजी वाहन द्वारा भी अलोपी देवी मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। बस स्टैंड से अलोपी देवी मंदिर की दूरी केवल 3.5 किलोमीटर है। भक्तों, अगर आप रेल यात्रा द्वारा अलोपी देवी मंदिर पहुंचना चाहते हैं, तो प्रयागराज रेल के विशाल नेटवर्क द्वारा पूरे देश से जुड़ा हुआ है। भारत के कई बड़े शहरों से प्रयागराज के लिए प्रतिदिन ट्रेनें चलती हैं। अलोपी देवी मंदिर के लिए प्रयागराज जंक्शन, नैनी रेलवे स्टेशन और छेवकी आदि रेलवे स्टेशन हैं, और सभी स्टेशनों से मंदिर के लिए टैक्सी तथा ऑटो रिक्शा उपलब्ध रहते हैं। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से अलोपी माता मंदिर की दूरी केवल 4 किलोमीटर है। भक्तों, अगर आप प्रयागराज पहुंचकर मां अलोपी देवी का दर्शन पूजन करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।